कबीर साहब कहते हैं, तिनका कबहू ना निंदिए जो पावन तर होय, कबहू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। अब इसका यही बस अर्थ नहीं है कि तिनका आँख में घुस जाता है तो बड़ा दर्द होता है। कबीर साहब कुछ और हमें बताना चाह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी आदत हो गई है हर चीज को कोई नाम दे देने की, उसकी कीमत आंक लेने की, उसका मूल्यांकन करने की। वो बता रहे हैं, देखो जानो अपनी सीमा, जिसे तुम तिनका कहते हो, जिसे तुमने तुच्छ कहा है, छोटा सा समझा है, क्या सचमुच वो छोटा है? और जिसे तुम बड़ा समझते हो, क्या सचमुच वो बड़ा है? वो छोटा सा तिनका जिसे तुम तिनका कह रहे हो, ये तो तुम कह रहे हो ना, तो सामने क्या है, उसका क्या महत्व है, उसकी कीमत क्या है, ये सब तो इस पर निर्भर करता है कि तुम कौन हो। क्या जब तुम दुखी होते हो तब भी ये संसार तुम्हारे लिए वैसा ही होता है जैसा अभी है? नहीं, तुम बदले, माने देखने वाला बदला और संसार बदल जाता है। क्या ये संसार तब भी वैसा ही रहता है जब तुम सुखी होते हो? नहीं, तुम जैसे ही बदले, तुम्हारे लिए हर चीज का अर्थ, उसका महत्व बदल जाता है। जो वस्तु थोड़ी देर पहले कुरूप थी वही अब सुंदर हो जाती है, जो व्यर्थ थी वही अब मूल्यवान हो जाती है। जब तुम बीमार होते हो, अस्वस्थ होते हो, तब क्या ये नदी, पहाड़, प्रकृति, ठंडी हवा, ये सब, ये दूर तक पैदल चलना, क्या सब तुम्हारे लिए उतना ही महत्व रखता है, वैसा ही महत्व रखता है जैसा उस समय रखता है जब तुम स्वस्थ होते हो? नहीं। तो तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम उसके हिसाब से सामने वाली वस्तु को नाम दे देते हो, उसका मूल्य आंक देते हो, और फिर जब धोखे खाते हो उससे पीड़ा मिलती है, क्योंकि तुमने उसको जो कहा है वो जो तुम उसको समझ रहे हो वो वैसा तो कुछ है नहीं, पर तुम उसको वैसा समझ रहे हो, फिर जब हकीकत से सामना होता है तो धोखा खाते हो, तब वो जो दुख, वो पीड़ा रहती है, उसकी बात कबीर साहब कह रहे हैं कि आंख में घुसता है ना, तब बड़ी पीड़ होती है, पीर घनेरी हो, कि तुम न जाने क्या क्या समझ रहे हो। कभी देखा है, जो वस्तुएं आपको व्यर्थ लगती है, ठीक वही वस्तुएं बच्चों के लिए आनंद का साधन हो जाती हैं। बच्चे कुछ वस्तु मांगते हैं, कुछ चीजें मांगते हैं, और उन्हीं चीजों को, और वैसी ही चीजों को तुमने भी एक समय मांगा होगा, किंतु आज तुम्हें वो व्यर्थ लगती हैं, किसी काम की नहीं लगती है, तुम्हें लगता है ये कौन सी व्यर्थ बातें हैं, लेकिन वही बातें, वही चीजें उन बच्चों के लिए आनंद का साधन बन जाती है, वो उनसे खुश होते हैं। तुम्हें वो चीज कुछ दिख रही है, बच्चे को कुछ दिख रही है, क्यों? अगर चीज वही है जो तुम्हें दिख रही है तो फिर बच्चे के लिए वो अलग कैसे हो गई? फिर तो कुछ गड़बड़ है। दया, तुम कौन होते हो उसको तिनका कहने वाले? तिनके को तिनका भी इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें सिखा दिया गया है कि इसे तिनका कहना है और इसका ये महत्व है। अभी अगर संसार में तिनकों की कमी हो जाए तो तुम उनकी कीमत क्या कर दोगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हीरा, जो वो भी एक पत्थर ही है, पर बड़ा कम होता है, मिलता नहीं है, तो उसकी कीमत बहुत है। अगर वो हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसे ही पड़ता हुआ मिलता रहे तो क्या उसकी कोई कीमत रह जाएगी? नहीं। तो हम ठहरे व्यापारी बुद्धि वाले लोग, सबसे पहले तो हर बात, हर विषय, हर चीज के केंद्र में हम स्वयं को रखते हैं, माने अपने अहंकार को रखते हैं। हम अपने आप को केंद्र में रख करके सारे संसार को देखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मैं कैसे तय करूंगा। जो मेरे लिए अच्छा है मैं उसे अच्छा कह दूंगा, जो मेरे लिए बुरा है मैं उसे बुरा कह दूंगा, जो मेरे काम आ रहा है मैं उसे सार्थक कह दूंगा, जो मेरे काम नहीं आ रहा मैं उसे व्यर्थ कह दूंगा। तो हम ठहरे व्यापारी बुद्धि वाले लोग, अहंकार से भरे लोग,
हम सदा लाभ हानि के रूप में सोचते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि क्या यह अहंकार नहीं है, हटाओ इस अहंकार को। यदि धोखे नहीं खाने हैं, क्योंकि धोखा खाते हो पछतावा होता है, दुख पाते हो, बोल रहे हैं यदि धोखे नहीं खाने हैं, भ्रम में नहीं जीना है, तो इस अहंकार को हटाओ। जो माने बैठे हो उससे मुक्त हो जाओ। साफ साफ देखो, जो है उसे देखो, कल्पनाएं मत करो। तिनका आंख में घुसता है तो बड़ी पीड़ा होती है। वो बता रहा है कि तुम जो मुझे समझ रहे हो, मैं वो हूं नहीं। माने संसार में जब तुम धोखे खाते हो, दुख पाते हो, पीड़ा मिलती है, कुछ चाहा था उसके बारे में बड़ी कल्पनाएं की थी, कुछ भी हो सकता है, संबंध, प्यार, पैसा, काम, व्यापार, कुछ चाहा था, बड़ी कल्पनाएं कर रखी थी, लेकिन जब पाया तब हकीकत कुछ और निकली। लेकिन हम समझते नहीं, हम फिर दूसरी किसी चीज के पीछे दौड़ लेते हैं, बिना दौड़ने वाले को जाने। तो कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम्हें देखना आता है, यदि तुम देख सकते हो, तो जिसे तुम तुच्छ समझ रहे हो वह तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और है क्या। ये सारा संसार उस परमात्मा का ही तो विस्तार है, दूसरा तो कुछ है नहीं। फिर कैसे कुछ बड़ा और कैसे कुछ छोटा हो सकता है, कैसे कुछ मूल्यवान और कैसे कुछ महत्वहीन हो सकता है। अब जिन्हें तुम पत्थर कहते हो, क्या महत्व है इन पत्थरों का? कुछ नहीं, लोग उनमें पैर मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उनको रास्ते की बाधा समझकर एक तरफ हटाते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, और कहीं पर मंदिरों में उन्हीं पत्थरों को सजाकर उनकी पूजा हो जाती है। तुम उस पत्थर को पैर मारकर देख लो, ये क्या है जिसे तुम पैर से लात मारते हो, कभी उसी के सामने सर झुकाते हो? ये सूर्य है, ये चंद्र है, हम पता नहीं तुमने भी कब इसको देखा होगा ध्यान से, कब इसको निहारा होगा, कब इसके साथ समय बिताया होगा, जाने कब तुमने डूबते हुए और उदय होते हुए सूरज को देखा होगा, जाने कब तुमने चांदनी रात में चांद को छत पर लेटकर ऊपर देखा होगा। बहुत हैं जिनको पता ही नहीं कि सूरज चांद भी होते हैं, बस जिंदगी चल रही है ऐसे, और बहुत हैं जो इन्हीं को देख करके गीत गाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इनको पूजते हैं, इनको जीवन का स्रोत मानकर इनको ईश्वर कह देते हैं, इन्हें ईश्वर का ही रूप कह देते हैं। एक फूल को तुम यूं ही कुचल डालते हो, तोड़ देते हो, फेंक देते हो, लेकिन उस तितली से, उस भंवरे से तो पूछो वो फूल क्या है। तुम सुखी हो तो पहाड़ तुम्हें बहुत सुंदर लगेगा, और दुखी हो तो वही तुम्हें बोझ लगेगा। स्वस्थ हो तो तुम उस पर दौड़ोगे, नाचोगे, गाओगे, और बीमार हो तो अगर उस पहाड़ पर तुम्हारा घर है तो वो पहाड़ तुम्हारे लिए बड़ी बाधा बन जाएगा। तो फूल, पत्थर, सूर्य, पहाड़, चांद, तारे, इनका या तो कोई महत्व ही नहीं है, और कहीं पर इनको परमात्मा का प्रतीक मान लिया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि भैया तुम जिसे देख करके कभी तिनका, कभी क्या समझ रहे हो, जिसको तुम छोटा या बड़ा समझ रहे हो, ये सब तुम्हारा अज्ञान है, ये सब तुम्हारा अहंकार है। तुमने अपने अहंकार को केंद्र में रखा है और उसके हिसाब से देखते हो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर तुम साक्षी की तरह देखो, जैसे तुम नदी किनारे खड़े हो, जैसे नदी किनारे खड़ा एक पेड़ और सामने से नदी बह रही है और बस तुम उसके साक्षी हो, वो बह रही है और तुम साक्षी हो, अगर इस तरह तुम संसार को देख पाओ तो ना तो कुछ छोटा है, ना कुछ बड़ा है। क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो दृश्य जगत है, यह तो दृष्टा पर निर्भर करता है। जैसा दृष्टा होता है वैसा ही उसको दृश्य दिखाई पड़ता है। दृष्टा बदलता है, दृश्य बदल जाता है, और दृष्टा को क्या दिखाई पड़ेगा? वो देखता है अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी जानकारी, अपनी मान्यताओं के आधार पर। लेकिन ये सब तो बहुत सीमित होती है ना, किसी भी
वस्तु के विषय में जो तुम जानते हो, किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी विचार के विषय में जो तुम जानते हो, वह सब तो सीमित जानकारी होती है ना। उसके साथ तो तुम्हारा थोड़ा सा अनुभव होता है ना। लेकिन हम उस सीमित जानकारी, सीमित अनुभव, सीमित ज्ञान के आधार पर ही उसको कोई नाम, कोई मूल्य, कोई पहचान दे देते हैं और हम उसी को सत्य मान लेते हैं कि यही सत्य है। अब जब हमें नहीं पता था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, तब तक हम तो पता नहीं क्या क्या कल्पना कर रहे थे कि ये चपटी है और सूरज इसके आसपास घूमता है, और उसी को हम सत्य मान रहे थे। आज भी कई लोग मानते हैं, वो ज्यादा बड़े अज्ञानी हो गए। तो कबीर कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को, अपनी सीमाओं को जानो। प्रकृति में दुख इसीलिए पा रहे हो, संसार में दुख इसीलिए पा रहे हो, क्योंकि तुम अहंकार के केंद्र से देखते हो, अहंकार के केंद्र से सोचते हो, उसी केंद्र से तुम ये जीवन जी रहे हो। अब देखो ना, कुछ दिनों पहले तक ऐसा होता था कि आपने भी देखा होगा कि जो औरतें होती हैं या घर के लोग होते हैं, सब आदमी औरत सभी कहते थे कि बाल अपने बाहर मत फेंकना, कोई उठा लेगा, जादू वगैरह वगैरह कर देगा। ऐसा होता था, अभी भी कई जगह होता होगा, लेकिन आजकल गलियों में हर कभी आते हैं लोग, चिल्लाते हैं बाल के बदले बर्तन ले लो, सामान ले लो। माने आजकल बाल बिकने लगे हैं 3000 रुपये किलो और लोग बेच रहे हैं, ये क्या मामला है? जिन बालों को तुम गाड़ देते थे, जला देते थे और छुपा कर कहीं ऐसी जगह फेंकते थे जहां किसी को मिले नहीं, ये सोचकर कि कोई उसका इस्तेमाल करके जादू टोना ना कर दे, आज तुम उन्हीं बालों को बेच देते हो। क्यों? क्योंकि तुम अहंकारी हो। अब जिन बालों को तुम तुच्छ समझते थे, आज वो तुम्हारे बड़े महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि तुम्हें वहां स्वार्थ दिखने लगा। तो तुम इस संसार को अपने स्वार्थ के हिसाब से देख रहे हो, इसीलिए धोखे पा रहे हो। अब यदि तुम्हें पता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जो तुम्हारी जानकारी है, जो तुम्हारा अनुभव है, जो तुम्हारी समझ है उसके संबंध में, वो बड़ी सीमित है, तुम्हें उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं, इसलिए तुम देखते हो कि अगर उसके बारे में मैंने कोई छवि बनाई और हकीकत में जब उसके साथ सामना होगा तो यथार्थ कुछ और होगा, तो तुम फिर छवि नहीं बनाओगे, और छवि नहीं बनाओगे तो छवि टूटेगी नहीं, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव सीमित है। फिर तुम जो है, जो यथार्थ होगा, उसके साथ जियोगे, फिर पहले से कल्पनाएं नहीं करोगे। तो तिनके का उदाहरण देकर के वास्तव में कबीर साहब हमसे साक्षी हो जाने को कह रहे हैं कि जो तुम समझ रहे हो ना, वो है नहीं, बस तुम साक्षी हो जाओ। अभी ऐसा तुम्हें प्रतीत होता है पर वैसा है नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। माने एक जो आज तुम्हारे लिए बहुत तुच्छ है, नीचे है, पांव के नीचे जैसा व्यर्थ है, धूल, पैरों की धूल जैसा है, वही एक दिन सर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो बाहर जो प्रकृति है, जो संसार है, इसके विषय में कोई धारणा बनाकर मत बैठ जाना। बस एक काम है जो आप कर सकते हैं, वो है स्वयं को जानना, इस अहंकार को समझना, ये जो पल पल धोखे खाता है इसे जानना कि ये क्यों खाता है, और बाहर जो है उसके साक्षी हो जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।